अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं एडमिशन AMMS एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट सैट। सैट का जो पेपर होता है उसमें मैथ जो पेपर होता है जो क्वेश्चन नंबर 71 से 90 तक होता है, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के सैट पेपर में। तो 2020 के पहले बच्चे यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 2018 और 2019 का सवाल पेपर हल कर चुके हैं, ठीक है। अब 2020 का सवाल पेपर हल करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे, मुरब्बे का इहाता 48 सम है तो इस मुरब्बे के वितर की लंबाई कितनी, ठीक है। तो मेरे बच्चों एक मुरब्बा समझ लीजिए, मुरब्बा है, ठीक है, और उसका इहाता, इहाता किसको कहते हैं, जो बाउंड्री होती है ना बाउंड्री, उसको इहाता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, इहाता कहते हैं। तो अगर 48 समय, तो ये अगर हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से, तो 4 का 4, 4 गुने 8, तो एक जिले की लंबाई कितनी हो जाएंगी, 12 सम। कितनी हो जाएंगी, ये 12 सम, ये 12 सम, ये 12 सम, ये 12 सम, ठीक है। अब मुरब्बे का वितर पूछा है, क्या पूछा है, वितर पूछा है, ठीक है। मेरे जो मुरब्बे का वितर जो है उसका जाप्ता है, मुरब्बे का वितर बराबर जजर दो जरब जिला, ठीक है, जजर दो जरब जिला। अब जिले की कीमत कितनी है, 12 है, ठीक है, 12 है, कहेगा 12 जजर दो, ठीक है, 12 जजर दो जो है उस मुरब्बे का वितर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब, ठीक है, नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 देखेंगे, 3a + 4b - 5c cos की दूसरी कुव्वत बराबर कितना। अगर यहाँ पर इसका एक जाप्ता है, उसको जाप्तों के जहन में रखेंगे, याद करेंगे इसको, जैसे a + b - c cos की कुव्वत दूसरी, ठीक है। इसका जाप्ता है क्या है, a² लेंगे जमा b² लेंगे जमा c² लेंगे, फिर उसके बाद में जमा करेंगे, फिर ये दोनों की जरब करेंगे, ठीक है, हो जाएगा 2ab, फिर जमा करेंगे 2bc, फिर जमा करेंगे 2ac, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे हम, देखो ये 3 है, 3a है, तो ए का मुरब्बा कितना हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे हल कर लूँ मैं, 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3a का मुरब्बा बोले तो 9a, ठीक है, कितना हो जाएगा 9a, जमा 4b का मुरब्बा 16b, जमा 5b का मुरब्बा 25c, ठीक है, ये हो गया। अब जमा लेंगे, अब क्या है 2ab है, ठीक है, 2 ضرب ab, तो ये 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, ठीक है, तो 24ab हो जाएगा, जमा 2bc है, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, 40bc, फिर जमा, फिर ये ac करेंगे, ac का जरब करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 30ac, ठीक है, 30ac। अभी ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 40bc, 30ac, 40bc यानी कट, 40bc, 30ac यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा पहले बच्चों, और यहाँ माइनस आएगा, अभी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस की अलामत इस्तेमाल हुई, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर, तो 40bc, 40 और 30ac यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले बच्चों इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, यहाँ 40bc और 30ac लिखे पहले यहाँ जमा हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नफी दिया है तो यहाँ पर नफी आएगा, ठीक है, यहाँ पर नफी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, अगर एक कायमतुस ज़ाविया मुसलस का वितर, कायमतुस ज़ाविया मुसलस बनाएंगे हम यहाँ पर, कायमतुस ज़ाविया मुसलस ने ऐसा मुसलस जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हो, ठीक है, वितर और एक जिला, ठीक है, वितर, ये वितर और एक जिला, ठीक है, ये दूसरे कायमतुस ज़ाविया मुसलस के वितर और नजीरी जिले के मुतमासिल हो, ठीक है, मतलब ये एक जिला
विथ्र और ये जिला, ठीक है, मुतमाजिल हो तो दोनों मुसलस कौन से आजमाइश की बिना पर एक दूसरे के मुतमाजिल होते हैं? तो ये जिला और ये जाविया, ठीक है, क्या हो गया? जाविया। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमेशा जो वित्र जिला आजमाइश है। ऑप्शन नंबर चार हमारा सही जवाब, ठीक है, नंबर चार जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, 6859 का जजरुल मकब यानी कितना, ये हमको किसका जजरुल मकब ये मालूम करना है, ठीक है। अगर तो आपको 30 तक मकबी आदाद याद है, एक से लेके 30 तक मकबी आदाद याद है, तो आप इस सवाल का जवाब चंद सेकंड में दे सकते हैं, ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 6859, अगर पहले जो गौर करेंगे हम तो 20 का जो जजर होता है वो 8000 होता है, ठीक है, कितना होता है 8000, ठीक है, तो 20 के आसपास होगा, 20 के आसपास में होगा, ठीक है। अगर 30 का जजर लेते हैं हम, 30 का मकब लेते हैं तो 27000 हो जाएगा, 27000 बहुत दूर जा रहा है, 29 तो आएगा नहीं, ठीक है, 29 कट हो जाएगा, 29 जो है वो कट हो जाएगा, और 29 बड़ा है 23 बड़े थे, ठीक है। फिर अगर 8000 होगा, 8000 8000 के करीब में, लेकिन 23 बड़ा है, 23 क्या है, 23 बड़ा तो 23 भी नहीं आ सकता है, ठीक है, एक तो 13 होगा नहीं तो 19 होगा, ठीक है। अब अगर हम 13 का जजर मब लेते तो इकाई के मुकाम पर 3 है, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लेते हैं तो 3 3 9 9 तो 27, इकाई के मुकाम पर 7 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इकाई के मुकाम पर 9 है तो 13 भी नहीं आएगा, तो एक बचा 19। अब 19 का जो इकाई के मुकाम पर 9 है, 9 ज़रब 9 ज़रब 9 9 3 27 27 9 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
हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, अभी 20 का मतलब, 20 का मतलब जो 8000 है, तो 8000 से ये कम है, तो 23 और 29 जो 8000 से ज्यादा आएंगे इसका, तो 23 29 कट हो जाएगा, 13 भी कट हो जाएगा, क्योंकि 13 का जो 3 का मतलब लेंगे हम, तो कह रहे हो आखिर में जो है 27 आ रहे हैं, 27 में 7 जो इकाई के मुकाम पर, यहाँ इकाई के मुकाम पर 9 है, तो 13 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 2 की कुवत 1/3 cos की कुवत 3 जमा 5 की कुवत 7 cos की कुवत 0 बटे 3 की कुवत 2 cos की कुवत 1/2, ठीक है, बराबर कितना। फिर जो अगर हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे देखेंगे, देखो 2 की कुवत 1/3 जरब 3, कुवत की जरब होती है, ठीक है, कुवत की क्या होती है, जरब होती है, जमा 5 की कुवत 7 cos की कुवत 0 बटे, अब ये कुवत की कुवत है तो कुवत की कुवत जरब हो जाएंगी, 3 की कुवत 2 जरब 1/2, ठीक है, ये तीन कट जाएगा, ये दो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 2 की कुवत 1 बोले तो 2, ठीक है, बटे में 3 बच रहा है। अब पहले जो 5 की कुवत, अगर कुवत में सिफर आ गया, कुवत में अगर सिफर आ गया है, किसी वजह की कुवत अगर सिफर हो तो 1 के बराबर रहता है, किसके बराबर रहता है, वो 1 के बराबर रहता है, तो 2 जमा 1 3/3, 3 एक 3, 3 एक 3 जवाब मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ठीक है, जो सवाल देखकर आपको लगेगा कि यार सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़े रहेंगे, 7वीं और 8वीं का सिलेबस रियाजी कर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, तो सवाल को हल करना मामूली बात है, बहुत आसान आसान सवाल है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपका निसाब जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ, सिलेबस की स्टडी आपकी अच्छे से की हुई होंगी, तो आप आसानी के साथ में जवाब जो है वो तलाश कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। पीतल इस मखलूत में, ठीक है, मखलूत यानी दो धातुओं से मिलाकर बनाई हुई शय, ठीक है, में तांबे और जस्त का तनासुब 13:7 है,
1.5 किलोग्राम वजन के पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा? ठीक है, जस्त कितना होगा? अब देखेंगे यहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ ये 13x, ठीक है, जमा 7x। अब यहाँ पर किलोग्राम में वजन दिया, लेकिन जवाब में जो है ग्राम में पूछा, तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1500 ग्राम। ठीक है, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 20x। तो पहले चार गौर करेंगे हम, 1500 ضرب 6। ठीक है, सात एक्स बटे 20। ठीक है, बटे क्या हो गया? 20। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये सिफर, ये सिफर कट, 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, 1 + 2 = 10। ठीक है, 75 ضرب 7। ठीक है, तो हो जाएंगे पहले बच्चों, अगर गौर करें हम यहाँ पर, तो 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7, 7 × 49 = 52, 525 ग्राम। ठीक है, 525 ग्राम। ऐसे मिसाल के तौर पे दोनों मिलाकर कितना? दोनों मिलाकर 1500 है। ठीक है, दोनों मिलाकर जो है 1500 है, तो हम 1500 को 7 की तरह रखेंगे और 20 इधर आ जाएगा तकसीम में। ठीक है, तो उसको हल करने के बाद हमको पहले 75 ضرب 7 को हल करेंगे तो 525 ग्राम आएगा। ठीक है, 525 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा जो सही जवाब है। ठीक है, नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। समझ में आ रहे? बीस एक्स लेंगे, 20x बराबर जो है 1500 है, तो x को इधर रखेंगे तो इधर तकसीम हो जाएगा 1500 इधर तकसीम 20, ये कट ये कट, ये 75। ठीक है, अब तांबे का तनासुब कितना है यहाँ पर? 7 है, तो 7 को हम 75 से ضرب दे देंगे। 7 को क्या करेंगे? 75 से ضرب दे देंगे, जो जवाब आएगा उतना ग्राम जो है उसमें क्या रहेगा? जस्त रहेगा। ठीक है, तांबा और जस्त, तो यहाँ तांबे का जो तनासुब है, तांबा और जस्त, तांबा पहले लिए, तांबे का तनासुब जो है वो 13 है और जस्त का 7 है। ठीक है, एक्स बराबर 75 आ रहा है, तो अगर हम 75 को 13 से ضرب देंगे तो 13 × 5 = 6, 13 × 7 = 91 और 6 = 97, 975 जो रहेगा वो तांबे का वजन रहेगा। ठीक है, इसका रहेगा तांबे का वजन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, क्रिकेट के एक मुकाबले में एक टीम के हर खिलाड़ी ने कितने रन बनाए दिया गया है? ठीक है, देखो, 2, 4, 35, 20, 47, 48, 57, 100, 17, 21। अगर तमाम रनों का मियानिया 40 हो तो एक्स की कीमत कितनी? ठीक है, अब पहले बच्चों हमको क्या क्या मालूम करना है? एक्स की कीमत मालूम करना है। ठीक है, जो एक्स दिया है ना, इसकी कीमत हमको मालूम करना है। तो हम क्या करें, तमाम की जमा करेंगे और जितनी टर्म उससे हम तकसीम कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म में 11 टर्म तकसीम कर देंगे हम। देखेंगे मियानिया कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, 21 × 17 × x × 100 × 57 × 48। यहाँ पर आपको जमा एकदम स्पीड में करते आना चाहिए। ठीक है, जमा जो एकदम स्पीड में आपको करते आना बहुत जरूरी है। तो बच्चों तमाम की जमा जो है वो आ रही है, मैंने जमा करके रखा हूं 351। ठीक है, 351 × x, ठीक है, बटे 11, इधर 40 है, ये 40 इधर लाएंगे तो ضرب हो जाएगा, 11 ضرب 40 = 351 × x। ठीक है, 351 × x। अब क्या करके बच्चों, 11 × 44, ठीक है,
जाएगा 440 बराबर 351 जमा एक्स। 351 को हम इधर लाए कभी या 440 को इधर लाए तो ये इधर जमा मेरा तफरी हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ लिख रहा हूँ एक्स बराबर 440 माइनस 351, इसको अगर माइनस करें तो जवाब आएगा 89। ठीक है, देखो नौ जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, एक मुदब्बिर उस्तुवानी के कायदे का पुत्र जो है 14 समय, जैसे मुदब्बिर उस्तुवानी किसको कहते हैं, सिलेंडर के जैसे जो फिगर आती है ना सिलेंडर, तो मुदब्बिर उस्तुवानी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पुत्र है ये पुत्र, ठीक है, कितना है 14 समय, 14 समय पुत्र है। ठीक है, उसका हजम 2618 मकब सम है, तो मुदब्बिर उस्तुवानी की ऊंचाई हाइट हमको मालूम करना है। ठीक है, हाइट क्या करना हमको मालूम करना है। अब प्यारा जो मुदब्बिर उस्तुवानी का जो हजम है उसका जाप्ता है 2πRh, सॉरी πR² जर्ब एच, πR² h। ठीक है, अब प्यारा जो हजम कितना दिया हुआ है, ठीक है 2618 दिया है, पाई की कीमत 22/7। अब यहां पर जो ये है ये निष्पुत्र है, यहाँ पुत्र कितना दिया हुआ है 14 सम, तो पुत्र कितना हो जाएगा, निष्पुत्र कितना हो जाएगा 7 सम हो जाएगा। ठीक है, हम 7 जरब 7 कर देंगे जरब एच। ठीक है, ये सात माइनस यहाँ क्या बचेगा 22 जरब 7 जरब एच। ठीक है, और यहाँ आएगा 2618। अब अगर पहले बच्चे इसको हम जरब करेंगे 7 × 14 के 4 हासिल आया, 1 × 7 = 14 = 15, 154 जरब एच। ठीक है, अब एच को इधर लाएंगे तो वो इधर जरब इधर आकर तकसीम हुआ है, तो एच बराबर 2618/154। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चों, अगर हम हल करते हैं अगर 11 से यहाँ पर हल कर रहा मैं 2618 को 154 से माइनस करते हैं, देखो 11 × 11 = 44। ठीक है, 11 × 22 कितना बचा 4 बचा, 11 × 3 = 33, फिर कितना बचा 8 बचा 11 × 8 = 88। ठीक है, अब 14 × 1 = 14। ठीक है, कितना बचा 9 बचा 14 × 7 = 98। ठीक है, 14 × 1 = 14, 14 × 7 = 98 का जवाब हमारा 17। तो फिर जो 17 समझ हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। पहले फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है, अगर आपको जितना ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला याद होगा जाप्ते याद होंगे तो आप उतनी आसानी के साथ में जवाब तलाश कर सकेंगे। सिलेबस की स्टडी करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है, सातवीं आठवीं का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, एक मकब नुमा के सतहों की तादाद 6 है, राशि नुकात की तादाद 8 है, तो उस मकब नुमा के कितने किनारे होंगे। फिर यहाँ पर एक लॉजिक है, एक इसका फॉर्मूला है, जैसे मैंने यहाँ पर एक मकब नुमा बना रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक मकब नुमा बनाया मैंने। ठीक है, अब जो रहता है मेरे बच्चों ये जो कोना रहता है ना, कोना कोना इसको हम कहेंगे वी, वी से मुराद वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स। ठीक है, और उसके बाद में ये जो है सतह, ठीक है, ये जो सतह है उसको हम कहेंगे एफ यानी फेस, क्या कहेंगे फेस यानी सतह, इसको वर्टिकल राशि अनुकात कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो किनारे हैं इसको हम कहेंगे ई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एज, क्या कहते हैं एज कहते हैं। तो मेरे जो इसका जो एक फॉर्मूला देखेंगे एफ जमा बी, एफ जमा बी बराबर ई जमा दो। ठीक है, ई जमा दो, अब फेस सतह कितनी है 6 है, राशि अनुकात कितने हैं 8 है, ये हमको मालूम करना है किनारे सतह जो है, ठीक है, किनारे मालूम करना है जमा दो। ठीक है, 14
अभी जमा है, इधर आकर तफरीक हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 बराबर ई, तो ई बराबर कितना आएगा 12, ई बराबर 12, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन हर साल के अंदर पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि एम जमा एक तकसीम 2m की कुवत 3 जमा 6m की कुवत 2 जमा 12m जमा 8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, तो m m से तकसीम करेंगे, यहाँ पर 2m की कुवत 2 आ जाएगा। ठीक है, 2m की कुवत 3 है, ठीक है, 2m की कुवत 3 जमा m चौक 4m, ठीक है, 4m 2m की कुवत 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2m की कुवत 3, 2m की कुवत 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 6 में से 2 गए तो 4m बचेगा, 4m की कुवत 2 जमा 12m, ठीक है, जमा 12m जमा 8। अब इसको हल करेंगे तो फिर बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे, ये a में का m, ठीक है, ये 4m स्क्वायर जमा एम आठ है, ठीक है, ये आठ आ जाएंगे यहाँ पर, ये आठ माइनस कर, चार माइनस करेंगे हम चार एम में से, जमा आठ, ये चार एम को दो, चार एम को कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा चार एम, आठ एम सॉरी आठ एम बचेगा, आठ एम जमा आठ। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो ये आठ एम जमा आठ, ये पूरा कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नीचे आएगा सिफर, ठीक है, नीचे आएगा सिफर, ऊपर बचेगा चार, ठीक है, सॉरी चार एम जमा आठ, ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, दो एम की कुवत दो, इसीलिए जो तकसीम है क्या है, दो एम की कुवत दो जमा चार एम जमा आठ। ठीक है, ऐसे कहीं है क्या, दो एम की कुवत तीन एम की कुवत होगी बैर बच्चों, गलत हो जाएंगे। अब कॉमन निकाल कर देखिए बैर बच्चों, दो का अगर हम कॉमन निकालते हैं, दो का हम कॉमन निकालते हैं, तो दो एम स्क्वायर जमा दो एम जमा चार। ठीक है, जो ऑप्शन क्या दिख रहा है, कॉमन निकालने के बाद में दो का अगर कॉमन निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर दो बैर बच्चों हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो जो है हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, श्याम राव ने 3,50,000 रुपये कीमत का एक कतई अराजी, यानी एक प्लॉट, कतई अराजी नहीं प्लॉट, ठीक है, प्लॉट खरीदते ना, दलाली की मार्फत खरीदा, कैसे खरीदा, दलाल लगाकर। अब दलाल, दलाली दलाल हम लगाते तो दलाल को दलाली देना पड़ेगी उसको हमको, इस कारोबार में दलाली 3% तय हुई, तो उन्होंने दलाली को, दलाल को कितनी दलाली अदा की, तो जाहिर है 3,50,000 का 3% निकालेंगे हम। ठीक है, 3,50,000 का 3%, यानी 3/100, ये सिफर, ये सिफर कट, ये सिफर, ये सिफर कट, ठीक है, 3 सिफर 0 3 सिफर 0 तीन 5 15 के 5 अचिला 1 3 1 3 3 1 10 10,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब। चलो, जो बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे कि आप उसका जवाब 15 सेकंड में 20 सेकंड में लेकर आ जाएंगे, तो इसका जो टाइम बचेगा आपको हार्ड क्वेश्चन को देना रहेगा। टाइम मैनेजमेंट मेरे बच्चों बहुत जरूरी है, जितना आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना जो आपका जो सवाल है वो कवर होंगे, जितने सवाल आप कवर करके हल करेंगे सही लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, एक सवारी की औसत रफ्तार 24 किलोमीटर/घंटा हो, तब कुछ फासला तय करने के लिए, देखो फासला हमको मालूम करना है, ठीक है, उसे 12 घंटे का वक्त लगता है, तो रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ठीक है, हिसाबता है। अब रफ्तार कितनी है, 24 है, फासला मालूम करना है, वक्त कितना है 12 घंटे है, तकसीम इधर आकर ज़र्ब हो जाएगा, ठीक है, तो फासला बराबर 24 ज़र्ब 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल है, 4 12 2 24 और 4 8 288, ठीक है, 288 ये मिनट दिया हुआ है, मिनट में, ठीक है, 288 सॉरी फासला है, फासला
किलोमीटर फासला दिया, तो 280 किलोमीटर लगेगा उसको। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, सवारी की रफ्तार पहले के मुकाबले में 3 गुना बढ़ाने पर। ठीक है, रफ्तार जो है 3 गुना बढ़ा दी हमने, रफ्तार जो है कितना 3 गुना बढ़ा दी, तो 24 ضرب 3 कितना हो जाएगा रफ्तार 72। ठीक है, बढ़ाने पर उतना ही फासला तय करने के लिए कितने घंटे वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त मालूम करने पर जो रफ्तार बराबर, ध्यान कर रहा हूं मैं इधर, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। ठीक है, फासला बटे वक्त। ठीक है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। तो रफ्तार जो है वो कितनी हो जा रही है 72। ठीक है, कितनी हुई रफ्तार, कितनी हुई 72, और फासला 3 गुना बढ़ा दी तो कितना हो गया वो 72 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वक्त हमको मालूम करना है ना, तो वक्त किधर देख रहे हैं, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ठीक है, फासला बटे रफ्तार, तो फासला कितना दिया 288 किलोमीटर दिया हुआ है, 288 रफ्तार कितनी है, रफ्तार जो है वो 72 है। ठीक है, अब इस बार हम सॉल्व करते हैं, तो 72 है, 72 × 288। ठीक है, तो 4 घंटा लगेगा। ठीक है, 4 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, मुसलस एबीसी में एपीए वस्तानिया है। ठीक है, या मुसलस एबीसी में एपी जो क्या है, वस्तानिया, वस्तानी बीच का। ठीक है, एपी जी ये वस्तानियों का हिंदी मरकज है, या हिंदी मरकज बीच में आता है। ठीक है जी, एपी 15 सम है, तो एजी की लंबाई कितनी होगी, ये हमको मालूम करना है, एजी की लंबाई। ठीक है, एजी की लंबाई कम फर्ज करें बच्चों, बच्चों एक बार गौर करेंगे, वस्तानी का एक निस्बत 2 होता है, जैसे ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा। ठीक है, ये 1 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो पहले बच्चों क्या करेंगे हम, 2x + x = 15। ठीक है, ये इसको एक्स ले लिए, इसको 2x ले लिए, क्योंकि निस्बत क्या रहती है, 1:2 रहती है, ये 1 रहेगा तो ऊपर वाला 2 रहेगा। ठीक है, ये 3x हो गया बराबर 15 × 15/3 = 5, तो x बराबर 5 हो गया, तो ag जो है वो ag 2x के बराबर है। ठीक है, तो 2 × x, ठीक है 2 × x, तो x बराबर कितना है, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 5 = 10, तो जो ag की लंबाई वो 10 सम रहेंगे। ठीक है, इसकी 5 रहेंगी तो इसकी 10 रहेंगी, 1:2000 है, इसकी 10 रहेंगी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, x²(2 + 10x + 24)/(x²(2 − 16) तकसीम 2x²(2x + 12)/(x − 4), तो पहले बच्चे अजزاء ضربی हम निकालेंगे। ठीक है, अजزاء ضربی करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तौर पर देखें जिसका हाशिए ضرب 24 आएगा और मजमू 10 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा x + 4 और x + 6। ठीक है, ये पहला वाला देखो, 6 × 24। ठीक है, और इनकी जो जमा है 6 × 4 = 10। ठीक है, 10 आ रही है बटे, अब ऐसा ऐसा तो देखेंगे जिसकी जो हाशिए ضرب 16 आएंगी और मजमू जो x आएगा। ठीक है, तो x^4 x + 4। ठीक है, तो 4 × 16 माइनस प्लस माइनस जो है वो फिर x² हो जाएगा। ठीक है, इनकी हम हासिले जमा करेंगे तो x² हो जाएगा मजमुआ। ठीक है, अब ऐसे तो देखेंगे जिसका हासिले 12 होगा और मजमुआ 2 आएगा। ठीक है, तो रहेगा इसको पहले हम जो ज़र्बी माकूस ले लेंगे। ठीक है, ज़र्बी माकूस ऊपर x^4 आ जाएगा और बटे में 2x + 6। ठीक है, यहाँ से देखो x + 4 कट हो जाएगा। ठीक है, अब x + 6 और x + 6 कट हो जाएगा, ये x + 4 ये x + 4 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2
और ऊपर बचेगा एक, तो एक बटे दो, ठीक है। हमारा जवाब क्या रहेगा, एक बटे दो, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, दो मतवाजी खतूत को एक खते तक आते कथा करें, दो मतवाजी खतूत, ठीक है, ये एक, ये दूसरा, एक खते तक आते कथा करें, ये कथा कर रहा है, और बनने वाले दाखला जावियों की एक जोड़ी, तो दाखला जावी ये है, ये दाखला जावी है, एक जोड़ी के जावियों की पैमाइश 2x, ठीक है, ये 2x और 3x हो तो जावियों की पैमाइश कितनी होगी, ये जावियों की पैमाइश हमको मालूम करना। तो पहले हमको पता है कि दाखला जावियों की पैमाइश का मजमू हमेशा कितना होता है, 180 दर्जे होता है, ठीक है। तो 2x जमा 3x बराबर 180, तो जगह 5x बराबर 180, x यहाँ रखेंगे, 5 इधर उधर इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 180 बटे 5 हल करेंगे, 5 3 15, 3 बचा 5 छक्के 30, ठीक है। तो x कीमत कितनी आ रही है, 36 आ रही है। अब ये 2x है तो 2 ज़र्ब 36 बराबर 72, और ये 3x है तो 2 ज़र्ब और 3 ज़र्ब 36, 3 छक्के 18 के 8 हासिल आया, 1 3 3 9 और 1 10 108, तो एक जावी की पैमाइश 72 आएंगी, एक जावी की पैमाइश जो है 108 आएंगी, 72 108 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर एक में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है, नंबर एक हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, 56/37 इस नातिक अदद की अशरी सूरत कौन सी, ठीक है। अगर इसको हल करेंगे 37 56, तो 37 एक 37, ठीक है, माइनस करेंगे 16 में 7 गए 9, 4 में से 3 गए 1, 19 बच रहे हैं, ठीक है। अब 37 19 छोटा है तो आश्चर्य लगाएंगे, आश्चर्य लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 0 0 लगाएंगे, तो 37 पंजे 185, ठीक है, 37 पंजे कितना हुआ 185, फिर 5 बचा 185, माइनस करेंगे तो 5 बचा, 5 छोटा है, सिफर लगाएंगे, ठीक है, 37 एक 37 13 बचा, ठीक है, 13 बचा, सिफर लगाएंगे, 37 दिए 111, ठीक है, 37 दिए 111। फिर बच्चों गौर करेंगे हम, फिर 513, तो आगे एक आशारिया 513 ऐसे ही जवाब आएगा, तो हम इसको ना लिखते हुए इसको लिख देते हम, एक आशारिया 513 ऊपर 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, एक शहर की आबादी हर साल 5% बढ़ती है, साल 2012 में शहर की आबादी 1,20,000 थी, तो साल 2015 में शहर की आबादी कितनी थी। तो प्यारे बच्चों इसको हम मुरक्कब सूद जो का फॉर्मूला है ना, मुरक्कब सूद के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मुरक्कब सूद के फॉर्मूले से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो मुरक्कब सूद का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, अगर गौर करेंगे हम, तो ये 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 ज़र्ब 105/100, जैसे 5% बढ़ रही है तो 100 में 100, 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 105/100 तीन साल के लिए, तो 105/100 105/100, ठीक है। तो ये दो सिफर, ये दो सिफर कट, ये दो सिफर, ये दो सिफर कट, तो ऊपर क्या बचा, 12 ज़र्ब 105 ज़र्ब 105 ज़र्ब 105 बटे 100, ठीक है, बटे 100। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 1,39,915। फिर तुम इसको जो है मुफरत सूद के फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं और मुरक्कब सूद के फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे ही इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहे। पी आर एन जो है, पी ज़र्ब आर ज़र्ब एन बटे 100, ये फॉर्मूले से भी आप हल कर सकते हैं। पहले एक साल हल करेंगे, फिर जो
आबादी बढ़ेगी उसको उसमें मिलाकर दूसरे साल का हल करेंगे, फिर जो आबादी होंगी दोनों आबादी को मिलाकर तीसरे साल का हल करेंगे। इस तरह हम तीन स्टेप में जो है मुफरत सूद के फॉर्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दायरे के मरकज से 12 सम के फासले पर वाक के भीतर की लंबाई 32 सम है, तो इस दायरे का कुत्र कितना। ठीक है, दायरे का हमको कुत्र मालूम करना है। ठीक है, यहाँ दायरा बना रहा हूं मैं, दायरे के मरकज से। ठीक है, ये दायरे का मरकज वित्र पर, दायरे के मरकज से 12 सम के फासले पर वाक के वित्र की लंबाई, ये वित्र है और ये फासला कितना है, 12 है। ठीक है, ये 12 है, समझ में आ रहा है। अब जाहिर सी बात, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है, यानी वित्र को दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए, 32 है ये टोटल, 32 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको जवाब दे देंगे हम ए या एम बी। ठीक है, ये ओ, दायरे का मरकज को हम ओ नाम दे दिए। ठीक है, तो फीसर वोरस के मसले के रूप से पहले हम इसको ए ओ की लंबाई मालूम कर सकते हैं, और वही दायरे का निष्फ कुत्र है, और निष्फ कुत्र का दुगुना कर देगा तो हमको कुत्र पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए ओ का मुरब्बा बराबर ओ एम का मुरब्बा जमा एम का मुरब्बा। ठीक है, 12 का मुरब्बा जमा 16 का मुरब्बा, 12 का मुरब्बा 144। ठीक है, 16 का मुरब्बा 256, दोनों की जमा करेंगे तो 400 जवाब आएगा, और 400 जो है ए ओ का मुरब्बा है तो ए ओ बराबर 20। ठीक है, ए ओ बराबर 20, ये 20 आ रहा है तो कुत्र कितना हो जाएगा, उसके डबल हो जाएगा, ये 20 और ये 20 40, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, 40 सम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 सम। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, 89। 8 × 2x / x · 4 बराबर 4/3, तो x की कीमत कितनी। तो पहले यहाँ पर हम तिरछी जर्ब करेंगे, देखेंगे तो हो जाएगा 18 − 2x / 3। ठीक है, जर्ब 3 बराबर x − 4 ضرب 4। ठीक है, अब इसको ये 18 दिए 54 हो जाएगा, 54 − 3 × 6 6x। ठीक है, बराबर x ضرب 4 और 4x − 4 × 16। ठीक है, 4 × 16, अब इसको हल करेंगे हम, ये 6x को इधर रखेंगे और 4x इधर, ये तफरीक में है, इधर अगर जमा हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, अरे 54 − 54 = 16। ठीक है, ये 10x = 54 − 16 = हो जाएगा 70। एक्स को इधर रखेंगे हम तो 70/10, ये सिफर कट, एक्स बराबर 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पैर बच्चे हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। एक मुसलस के अजला 13 सम 14 सम और 15 सम है, तो उस मुसलस का रकबा कितना। ठीक है, मुसलस बनाएंगे 13 सम 14 सम और 15 सम। ठीक है, मुसलस टी क्यू आर नाम दे देंगे उसको, टी क्यू आर नाम दे देंगे। अब पहले बच्चे यहाँ पर गौर करना है कि अगर कायमतुल ज़ाविया मुसलस रहता तो हम फीसा गोरस के मसले से हम जो है इसका रकबा मालूम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कायमतुल ज़ाविया मुसलस नहीं पहले बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें इरतफा भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इरतफा जो है क्योंकि उसका जो जाबता क्या है, 1/2 कायदा ज़र्ब इरतफा, मुसलस के रकबे का जाबता क्या है, 1/2 कायदा ज़र्ब इरतफा, तो इरतफा यहाँ दिया नहीं, इसलिए हम जो यहाँ पर हेरोन का जाबता यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, हेरोन का जाबता क्या है गौर करेंगे, यहाँ हेरोन का जाबता जो है ए जमा बी जमा सी बटे दो। ठीक है, हो जाएगा 13 × 14 × 15/2, ये जमा 42 को 2 करेंगे हम तो जाएगा 21। ठीक है, अभी 21 के बारे में हम जो है हेरोन के जाब्ते में रखेंगे, ये एस की कीमत हमको मालूम होगी। ठीक है, एस बराबर कितना आ रहा है, 21। ठीक है, अब हेरोन का जाब्ता क्या है देखेंगे, मुसल्लस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर से पी क्यू आर बराबर हेरोन का जाब्ता है एस
में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब इसको रखेंगे हम, ये 21 है, ठीक है, ये 21 है, कॉस में 21 माइनस ए कितना है 13, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस जो है वो 15, ठीक है। इसको हल करेंगे, ये 21, ठीक है, ये 21 हो गया। अब 21 में से 13 गए, 21 में से 13 गए, तेरा जो है 21 को जो है वो 7 रिजर्व 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 21 को जो है 7 रिजर्व 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 7 रिजर्व 3। अब 21 में से 7 गए, 21 में से 13 गए तो 8 रिजर्व 8, 21 में से 14 गए तो 7 रिजर्व 7, 21 में से 15 रिजर्व 6, ठीक है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको 7 जर्ब, ये 7 जर्ब 7 यहाँ लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 7 जर्ब 7 बाजू बाजू में, यहाँ इसको बाजू में, ठीक है, जर्ब। अब 8 को प्यारे बच्चे यहाँ पर मैं जो है इसे 3 है, ठीक है, तो अभी 16 नहीं 6, तो 16 6 को मैं प्यारे बच्चे 3 जर्ब 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, तीन जर्ब तीन, और तीन जर्ब, तीन जर्ब दो लिख सकते हो यहाँ पे, तीन जर्ब दो, ठीक है, तो ये तीन और ये तीन, ठीक है, ये तीन यहाँ पर आ जाएगा, तीन जर्ब तीन, ठीक है। फिर ये आठ को प्यार बच्चों, ये आठ बचा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये 8 बचा, तो इसको हम 2 जर्ब 8 जो है, ये 2 जर्ब 4 इसको लिख सकते हैं, तो ये 2, ये 2 और ये 2 जोड़ी में हो गया, तो 2 जर्ब 2, ठीक है, और बचा 4, ठीक है, बचा 4। अभी 7 को एक बार लिखेंगे, जजर में से निकालने के लिए 7 एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार, और 4 का जजर कितना होता है, 2 होता है, तो 7 थी 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 मुरब्बा सम, ठीक है, तो 84 मुरब्बा सम जो है उसका रकबा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो प्यारे बच्चों वो हमारा सही जवाब है। तो यहाँ पहुँच कर हमारा जो है 2021 का, सॉरी 2020 का जो सवालिया पर्चा है, 2020 का जो सवालिया पर्चा है वो यहीं पर खत्म होता है। हम आइंदा जो है नए सवालिया पेपर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।